बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ स्कूप मक्का डिजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ बिल्डर और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमखट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ कहीं लेंगे अरे धीरे धीरे डिजी बाप मैं बहुत खुश हूँ आज क्या काम है हम फार्मा पिकल्स की नई फैक्ट्री बनाएंगे सनफ्लावर से सनफ्लावर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री सनफ्लावर फैक्ट्री कैसे बनाएंगे हम हो डिजी ये बात तो सनफ्लावर फैक्ट्री एक्सपर्ट मार्जोरी से पूछनी चाहिए मार्जोरी वो बस आती हेलो मैं डिजी हूँ क्या तुम मार्जरी हो और क्या तुम बॉब्स विल में यहाँ तक साइकिल पर आई हो हेलो डिजी हाँ मैं मार्जरी हूँ और मैं साइकिल से आई हूँ तुम मुझे सनफ्लावर फैक्ट्रीज के बारे में बताओगे एक बोतल तेल बनाने में कितने फूल लगेंगे हाँ बता बता ओ, ये बात है अभी बताती हूँ डिजी मार्जरी को साइकिल से उतरने तो दो सॉरी मार्जरी डिजी आज तुम सुबह से ही सवाल पूछ रही हो तो? सब तुम्हारे सवालों का जवाब देने के बजाय काम करना चाहते हैं डिजी हाँ तो चलो अब जाकर काम करते हैं पहले क्या करें माजरी देखो बॉब सबसे पहले तो हमें नींव ही खोदनी पड़ेगी इस तरह हाँ हाँ बिल्कुल करके दिखाएंगे हाँ कर ही लेंगे क्या ख्याल है मार्जरी बहुत अच्छे बॉब लेकिन स्टोरेज की जगह नहीं भूलनी चाहिए फैक्ट्री जाने से पहले सनफ्लावर के फूलों को यही रखते हैं तो ये सीमेंट उसी के लिए होगा बॉब से पूछ लो ना ओह बक उसे छोड़ो डिजी मैं ये काम खुद कर सकती हूँ जरूर ये सीमेंट यही डालना होगा इस पेड़ के पास क्यों क्योंकि फार्मर पिकल्स फूलों को छाया में ही रखेंगे बेनी तुम जरा मार्जरी की साइकिल यहाँ से हटा दो प्लीज ओके डिजी चलो सब मिलकर नींव खोदते हैं डिजी अभी आई बाप इस कंक्रीट फर्श के लिए मुझे वो सीमेंट चाहिए लेकिन वो तो मैंने अब कुछ नहीं सवाल नहीं पूछना है सारे सवाल बाद में पूछ लेना ठीक है मेरी साइकिल रुको थैंक्स लॉफ्टी मेरे ख्याल से मैंने साइकिल यहाँ तो नहीं रखी थी तो यहाँ कैसे आई तुम्हें साइकिल हटाने से पहले मार्जरी से पूछ लेना चाहिए था बेनी ने गलत जगह पर रखी तो इसमें मेरी क्या गलती है चलो नींव का काम खत्म करना है चलो दोस्तों मैंने तो सोचा था कि सीमेंट फर्श के लिए वो है सीमेंट उसके लिए था मेरे ख्याल से इस पेड़ के पास नहीं होना चाहिए ये यहाँ ज्यादा ठीक है तुम्हें पहले बॉब से पूछ लेना चाहिए डिजी हाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देता बॉब बहुत बिजी है काफी बड़ा है ना मार्जरी सही कहा फार्मर पिकल्स यहाँ बहुत सारी मशीनें लगानी हैं यहाँ स्टोरेज की जगह बनानी है याद रखने के लिए बॉब यहाँ 16 पैनल्स रख गए हैं पक्का करने के लिए पूछ लेना चाहिए ना नहीं मैं कहेगा कि मैं बहुत सवाल पूछती हूँ ये पैनल्स हटाने पड़ेंगे सबसे पहले मार्जरी की साइकिल हटानी है इस बार मैं इसे सुरक्षित जगह पर रखूंगी ठीक है बेनी वो मेरी गलती नहीं थी वो अब खुश हो जाएंगे लॉफ्टी तुम यहाँ मदद करने आओगे आता हूँ बॉब जब तक लॉफ्टी खम्भे नहीं लगाता मैं कंक्रीट नहीं डाल सकती हमें इंतजार करना पड़ेगा ठीक है अब दीवार के पैनल्स लगाने हैं संभल
की स्कूप। ओफो, मेरी साइकिल यहाँ क्या कर रही है? जरा संभलो। मार्जरी, बाल बाल बचे। हाँ, ठीक कहा तुमने, लेकिन मैंने तो मेरी साइकिल को उन सोलर पैनल्स के पास खड़ा किया था। शायद ये सब खुली हवा का असर हो रहा है मार्जरी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। बाल बाल बचे। हाँ, तुमने मार्जरी की साइकिल को गलत जगह पर रखा था। क्या? खैर, जब तक लॉफ्ट आए तुम खम्भों के लिए गड्ढे खोद लो प्लीज। ये स्टोरेज की छत होगी और यहाँ इसे लगाना होगा, इसलिए तुम इसे हटा जिससे हम काम शुरू कर सके। मार्जरी की साइकिल हटाओ। मार्जरी की साइकिल हटाओ? कभी नहीं। ओ बेनी, इसे पेड़ से टिका दो ना, सबसे पहले भी तो वो यही खड़ी थी, याद है? ओ, मतलब वो जगह ठीक है। अब ये क्या है मार्जरी? हवा की टर्बाइंस, सोलर पैनल्स के साथ ये भी ऊर्जा का निर्माण करेंगी। हवा और सूरज से, बिल्कुल प्राकृतिक ऊर्जा। हाँ, देखो अब हमें सोलर सेल्स वाले छत के पैनल्स को जोड़ना है। ये लीजिए। हाँ, अब देखो कि कोने कहाँ पर जाएंगे। गड्ढे खोद देता हूँ। छत के पैनल्स लग गए हैं, अब मैं तुम्हारी मदद करूँ। बढ़िया। हमने ये सब काम कर लिया और बॉब से एक सवाल तक नहीं पूछा। ये वहाँ ऊपर पैनल्स गिर रहे हैं। ओ नहीं, जरा संभलो। ओहो, ये तो बुरा हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मुझे यकीन है मैंने अपनी साइकिल फैक्ट्री के सामने छोड़ी थी। ओ वही पति, ये मेरी गलती है, मैंने मेरी को हटाने के लिए कहा था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया डिजी? जिससे मैं स्टोरेज के लिए काम कर सकूं। देखो नींव पे बन गई, वो रही। लेकिन वो वहाँ तो नहीं बननी थी, ये नींव तो यहाँ बननी चाहिए थी। अच्छा डिजी, पता है कुछ भी करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए। तुम्हारी साइकिल के लिए मुझे बहुत अफसोस है मार्जरी। ओ कोई बात नहीं डिजी, जानती हो मेरे पास रिपेयर किट है और मैं पहले भी साइकिल के पहियों को सीधा कर चुकी हूँ। इस जगह, बिल्कुल इस जगह पर वो स्टोरेज बनना है। क्या अब हम नई नींव बना ले बात? पुरानी नींवों का क्या करेंगे? उन्हें बाद में रिसाइकल करेंगे लॉफ्टी, लेकिन अभी मुझे फैक्ट्री जाना है। डिजी, सॉरी मैंने तुम्हें चिढ़ाया था। कोई बात नहीं, अब मैं बिना पूछे कुछ भी नहीं करूंगी मार्क। एक मिनट, एक आईडिया आया है, मार्जरी से माफी मांगने का तरीका मुझे पता है, चलो। अच्छा, मैं मदद करता हूँ। लेकिन डिजी, पहले पूछ लेना चाहिए ना। हाँ, अभी सबक नहीं सीखा क्या? बिल्कुल, पहले मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए दोस्तों, ये रिसाइकलिंग है बाप के मुताबिक। अच्छा ठीक है। मार्जरी, ऐसी ही फैक्ट्री की मैंने कल्पना की थी, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बॉब, वेंडी और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू मार्जरी। लेकिन वहाँ वो क्या है? ये मार्जरी के लिए सरप्राइज है। मेरे लिए? दिखा दो बेनी। ये है साइकिल घर, अब तुम्हारी साइकिल यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। डिजी। अरे वाह डिजी, बहुत अच्छे। अब पुरानी नींव को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने तो इन्हें बहुत ही काम का बना दिया है डिजी। हाँ, और वैसे भी डिजी बहुत अच्छी बिल्डर है, तो अब मैं उससे बहुत से सवाल पूछूंगा। ओ बाप। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? हाँ,